हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन वन चल रहा था। लेसन वन की अब तक हम 12 वीडियो आपको दे चुके हैं, तो ये 13वीं वीडियो है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति, राइट। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इसको। इसकी जो इम्पोर्टेंट है ये इस बात से पता चलती है कि 2010 से लेकर 2020 के समय के अंतराल ये 6 बार आ चुका है, बल्कि ये 7 बार आ चुका है। ऐसा था कि 2019 में ये 2 सेटों में आया था, ये क्वेश्चन 2019 के 2 सेटों में ये प्रश्न आया था। तो इसलिए आप इसको 6 बार समझ लीजिए या 7 बार समझ लीजिए, आपकी इच्छा है। तो अब देख लीजिए 2010 से लेकर 2020 तक जो सवाल 6 से 7 बार आज गया कितना इम्पोर्टेंट होगा, और जो सवाल 2019 में आया उसको जरूर करना। क्यों? 2019 वाला ही मोस्टली 1-2 साल करके रिपीट होता है, तो 2019 का 20 छोड़ के 21 में आने के चांसेस रहते हैं और उसके 22 में आने के चांसेस रहते हैं, राइट। इसलिए चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार और समझ लो। क्वेश्चन किस तरीके से कहेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति कीजिए, या गॉस की प्रमेय की सहायता से या गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन आता है आपका, राइट। क्वेश्चन हमको समझ में आएगा किस तरीके से आता है। तो आपको आंसर करने से पहले आपके दिमाग में 2 चीजें आपको आ रही हैं यहाँ पर, क्या? पहली बात ये कि आपको गॉस की प्रमेय अर्थात गॉस का नियम आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले लेक्चरों में पढ़ा चुका हूं कूलाम का नियम क्या था, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम था कि भाई दो आवेश हैं, सपोज दैट ये Q1 है, ये आपका Q2 है, तो इन दोनों और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, सपोज दैट हमने इनके बीच की दूरी R मान ली, तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कितना होता है, कूलाम भाई साहब ने बताई थी 1/ε0 Q1 Q2 / R², ये कूलाम भाई साहब ने बताई थी कि दो आवेशों के बीच में जो बल होगा वो कितना होगा, 1/4π0 दोनों आवेशों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, राइट। सपोज दैट कि यहां पर ये Q1 की जगह पर यहां पर Q होता और यहां पर Q0 होता, तब फॉर्मूला क्या बनता है, भाई Q1 की जगह पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q0, राइट। यहां पर चलो Q0 की जगह पर Qm होता, तो यहां पर Qm लिख देते, तो समझ में आ गई होगी आपको क्या, तो ये दोनों आवेशों का ऊपर गुणनफल और नीचे बीच की दूरी का स्क्वायर, राइट, समझ में आ गई। ऐसे ही गॉस का नियम था, गॉस का नियम ये था, गॉस की जो प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय क्या थी, गॉस की प्रमेय थी कि भैया कोई भी बंद पृष्ठ हो और उस पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है, तो गॉस भाई साहब ने यह कही थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये बताई थी गॉस जी ने, ठीक है। हमको दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसका यानी इस प्रमेय का यूज करके मेरे को ये चीज सिद्ध करनी है कि भैया दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल ऊपर आएगा और नीचे बीच की दूरी का स्क्वायर आएगा और ये नियतांक आएगा, राइट। तो ये चीज हमको सिद्ध करनी है, ओके। चलिए तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो थ्योरी अपने आप बनानी पड़ती है, तो हम मान के चलेंगे सारी चीजें किससे होंगी, आवेश से होंगी। तो हमने माना कि माना हमारे पास एक +Q कूलाम आवेश है, माना हमारे पास एक +Q कूलाम आवेश है, या हम बोलेंगे इसको माना हमारे पास एक +Q कूलाम बिंदु आवेश है, ओके। अब हमको क्या करना भी, ये +Q कूलाम बिंदु आवेश है, अब यहां से तो डायरेक्टली गॉस की प्रमेय लग नहीं सकती। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, तो माना हमारे पास एक +Q कूलाम बिंदु आवेश है जो एक बिंदु O पर रखा है, जो एक बिंदु O पर रखा है, ओके। इस बिंदु O से R त्रिज्या का, इस बिंदु O से R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, माना हम एक
इस बिंदु O से R त्रिज्या का, या इस बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। हमने लो ये भाई, ये एक केंद्र मानते हुए हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। देखिए गोल सा दिखाई दे रहा है, चलिए जैसा भी है ये गोल बन गया आपका, ठीक है। R त्रिज्या का हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, ओके। और हम इसके यानी यहाँ पर माना इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा क्षेत्रफल dA, माना dA वेक्टर, dA वेक्टर है इस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है, ओके। अब यहां के बाद में देखिएगा, हमारे पास में ये प्लस क्यू कूलम आवेश है, तो इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। इसकी दिशा भैया प्लस से, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, तो इससे यहां पर इस क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ओके। चलिए और लंबी सी बना दे रहा हूं इसको, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल डायरेक्टली सीधी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और इस ये क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल सदिश की भी कुछ ना कुछ दिशा होगी, तो हम मान के चल रहे हैं ये क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, कोई भी क्षेत्रफल होता है तो मैंने क्या बताई थी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्षेत्रफल होगा, तो इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, यानी कि डी ए वैक्टर की दिशा है ये ई वैक्टर। तो इस क्षेत्रफल पर, इस पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक समान है, तो पूरी थ्योरी किस तरीके से लिखोगे, एक बार लिख दे रहा हूं फिर बाद में समझा दूंगा। क्या बोला था, माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, या ऐसे लिख सकते हो, माना हमारे पास प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश है, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख दीजिए, राइट। माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु O पर रखा है। माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु O पर रखा है, राइट। इस बिंदु O को, इस बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या बोला हमने, इस बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, माना इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, माना इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, dA वेक्टर है, राइट, dA वेक्टर है, ओके। चलिए, या आप dA बोल सकते हो, यहां पे ऐसे बोल दीजिए सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, इसकी दिशा ये dA वेक्टर है, ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो हम बोल देंगे इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, dA है, राइट। चलिए, जिस पर यानी इस क्षेत्रफल पर जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर की दिशा समान है, तब देख लो हमने क्या बोला था कि भैया हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है, जो बिंदु O पर रखा है। माना हमारे पास प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश है, जो बिंदु O पर रखा है, या माना हमारे पास एक बिंदु आवेश प्लस Q है, जो बिंदु O पर रखा है। इस बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं, जिस पर
इस प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस क्षेत्र की क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की कैसी है? समान है। दोनों की दिशा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर है और इस क्षेत्रफल की भी दिशा इधर की ओर है, राइट। तो इनके बीच में कोण कितना होगा भाई? कोण आपको पता ही है, जो जो दिशा, दोनों की दिशा एक समान रहती है तो उनके बीच में कोण कितना? जीरो अंश। ऐसा समझो एक व्यक्ति इधर की ओर मुंह करके खड़ा है और एक व्यक्ति इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यदि मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति इधर की ओर करके खड़ा है, एक इधर की ओर खड़ा था लेकिन अब इसने मुंह थोड़ा सा इधर की ओर घुमा लिया तो 90 डिग्री से कुछ कम हो गया, अब इसने इधर की ओर घुमा लिया तो और कम हो गया। जब एक व्यक्ति की दिशा इधर है और दूसरे व्यक्ति की भी दिशा इधर ही है तब उनके बीच में कोण कितना? वो भी इधर देख रहा है, मैं भी इधर देख रहा हूँ, तो कितना अंतर आ रहा है? कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, दोनों की दिशा इधर ही है, राइट। तो दोनों में थीटा बराबर यहाँ पर कितना? यहाँ पर थीटा बराबर जीरो अंश, राइट। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो अब दोनों ही एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, कोण जीरो अंश। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है? जीरो अंश, राइट। तो ये जीरो अंश का भी आपको यूज आएगा, देखिएगा कहाँ पर यूज आ रहा है, यहीं पर यूज आएगा, ठीक है। देखो कैसे थ्योरी समझ में आ गई, अब हम चलते हैं। सिंपल सी क्या है, इसके कारण यहाँ पर इस बिंदु पर हमें यहाँ पर क्या है कि हमको तो वैद्युत, पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस बिंदु, पहले इस छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालो। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए का वैद्युत फ्लक्स डी फाई। मैंने क्या बताया, सूक्ष्म के लिए हमेशा याद रखना, सूक्ष्म के लिए हम डी फाई लगाते हैं और संपूर्ण के लिए हम फाई लगाते हैं। तो इस छोटे से क्षेत्र का छोटा सा क्या आएगा? प्लस। और प्लस का फॉर्म है वैद्युत प्लस का फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर, ये होता है, राइट, क्लियर है। इसको खोलते हैं तो क्या आता है? ई ए कॉस थीटा आता है, ई ए कॉस थीटा। तो ये संपूर्ण की बात है, लेकिन हम सूक्ष्म की बात करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? सूक्ष्म के लिए आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट, चलिएगा। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा, राइट, ये आ जाएगा डी फाई बराबर। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों की दिशा कितनी है? एक समान है, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि ई वैक्टर व डी ए वैक्टर की दिशा समान है इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जीरो अंश। मैंने अभी अभी बताया था कि दोनों की दिशा एक ही तरफ हमने इस कैसे माना है? वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है, तो थीटा बराबर जीरो अंश। यहां पर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर डी फाई बराबर ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर लिखना चाहो तो आप यहां पर साइड में लिख सकते हो, साइड में क्या लिख दोगे? चूंकि कॉस जीरो अंश बराबर वन, ये होता है कॉस जीरो का मान वन होता है, तो ये आ गया, राइट, इतना आ गया। अब इसके बाद में हम करेंगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, या संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऐसे लिख दो, केवल संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा भाई? संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई हो जाएगा, फाई बराबर ई। अब ये क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं रहेगा, अब हम इसका समाकलन कर देंगे इस तरीके से। कुछ कुछ किताबें संपूर्ण के लिए क्या लगाती हैं? फाई बराबर इस तरीके से लिख देती हैं ई, और यहाँ पर लिख देती हैं इस तरीके से डी ए वैक्टर। तो इसका मतलब और इसका मतलब क्या? बात एक ही है, आप ऐसे करके लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये इसका मतलब होता है क्लोज एरिया का समाकलन, यानी कि ये जो बंद क्षेत्रफल होगा उसका समाकलन करना है। तो इस पूरे बंद क्षेत्रफल का हम समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कोई बंद हो तो उसके लिए हम मोस्टली ये सिंपल वाला समाकलन ना लगाकर ये वाला लगा देते, ये भी समाकलन ही है। ये लगाने का मतलब ये है कि भैया हमारे पास में सपोज दैट कि ये एक वर्ग है और इसके अंदर एक छोटा सा वर्ग ये है, तो मैं इस वर्ग को मान ले रहा हूँ, मैं स्क्वेयर बोलते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा स्क्वेयर है, इसको बोल दूंगा मैं डी एस, यानी ये छोटा स्क्वेयर है। तो मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे वर्ग का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इस समाकलन लगाकर मुझे इस पूरे
इस स्क्वायर का एरिया चाहिए तो भैया मैं इस छोटे से का डीएस लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा जो एरिया है उसी से छोटे छोटे एरियों से ये मिलकर बना हुआ है बड़ा एरिया इस तरीके से, तो इस छोटे का मैं बड़ा रूप ले लूंगा तो वही ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं मान ले रहा हूँ कि ये छोटा सा क्षेत्रफल छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है ये पूरा क्षेत्रफल, तो इसके समाकलन लगा दूंगा। समाकलन का मतलब होता है यानी संपूर्ण चीज को निकाल देना, यानी कि पूरी वैल्यू को फाइंड कर देना। तो मैं सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समाकलन लगने का मतलब लिमिट लग गई इस पर, इस पूरे एरिया निकल जाए। अब इस छोटे से छोटा हमको ज्ञात है तो इससे बड़ा निकाल लेंगे, तो ये आ गया संपूर्ण। और संपूर्ण के लिए आपको पता होगा कि भैया संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ए बराबर, तो आप सीधे सीधे लिख दो कितना, 4πr², तो ये कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा e इंटू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा, 4πr² आएगा। इसको समीकरण एक मान लो, ये समीकरण एक मान ली। अब हमको क्या करना है, आगे चलते हैं। अब हमको गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम प्राप्त करना था, तो यहाँ पर तो अभी गॉस का नियम लगाया ही नहीं है, अब लगाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ से बाद में, यहाँ से गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ये थी गॉस की प्रमेय, राइट। तो ये गॉस की प्रमेय है, तो इस फाई का मान में कहाँ पर रख दूंगा, ये फाई आ रहा है तो समीकरण एक से ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से फाई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई 4πr² बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ये चीज़ आ जाएगी, ओके। चलिएगा अब ये चीज़ को हम इधर ले जाएंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा आपका, ये ऊपर तो क्यू है, नीचे आ जाएगा आपका 4πr² इंटू ε0, ये ε0 नीचे है, ये q ऊपर कर दिया और ये पूरी की पूरी चीज़ नीचे आ गई, ओके। अब इसको एक थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में लिख दूंगा, 1/4πε0, 4πε0 को इस तरीके लिख दिया, q बट्टे r² मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत, ये आ गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपको यहीं तक करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी बिंदु आवेश के कारण गॉस सिद्ध करो कि, या फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो यहीं तक करना है। लेकिन यदि आपका कूलाम का नियम प्राप्त करवाए तो उससे थोड़ा सा आगे करना है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको। अब कूलाम का नियम प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो आवेश होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही आवेश है, तो दूसरा आवेश के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि भैया माना कि इस पर हम क्या लेकर आए, एक परीक्षण आवेश लेकर आए, क्या लेकर आए, परीक्षण आवेश, और वो भी कैसा परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश लेकर आए, तो यहाँ पर लिख देंगे माना बिंदु या माना क्षेत्रफल DA पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, यहां पर धन और लिख दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जब लेकर आएंगे देखिएगा, जब यहाँ पर धन परीक्षण आवेश नहीं था और यहाँ पर क्यू था, तो इसका अपने आप में कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, राइट। तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश आएगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगेगा, सिंपल सी बात है, जिसको हम वैद्युत बल बोलेंगे। तो इस, तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q0, तो F बराबर क्या हो जाता है, F बराबर हो जाता है E×Q0, ये होता है फॉर्मूला। तो इस तब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो मैं इस थ्योरी को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा इधर की साइड में, ठीक है। तब यहाँ के बाद में, तब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F/E×Q0, क्या हो जाएगा F/E×Q0,
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई इंटू क्यू जीरो आ गया। अब ई की वैल्यू आपके पास में ये वाली है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एफ बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 और क्यू बट्टे आर स्क्वेयर, और इसके साथ में ये क्यू जीरो है, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बट्टे आर स्क्वेयर, ये आ गया आपका। यही तो कूलाम का नियम है, मैंने क्या बताई थी कूलाम का नियम अभी, कि दो आवेश हों तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल, आ गया गुणनफल, और दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अब ये जो आवेश है क्यू जीरो यहाँ पर रखा हुआ है क्यू जीरो, अब ये आवेश जो आपका परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, अब इस क्यू जीरो, ये परीक्षण आवेश हो गया ये क्यू जीरो, ये क्यू है क्यू जीरो, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होगा कूलाम के नियम से, 4πε0। कूलाम भाई साहब ने ये तो बताई थी कि एक आवेश और दोनों आवेशों का गुणनफल आना चाहिए, तो पहला आवेश q, दूसरा आवेश q0, बट्टे दोनों के बीच की दूरी r है, तो r स्क्वायर आ गया, इतने ये आ गए इतने न्यूटन। तो यही कूलाम का नियम है, राइट, यही कूलाम का नियम है, ये हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, राइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, राइट। चलिएगा, इसके बाद में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराऊंगा मैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो तो पसंद आ ही गया होगा, समझ में सारा कुछ आ गया होगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, बस आपका काम रह गया लाइक करना, तो लाइक का एम रखते हैं मात्र 1000 लाइक्स, राइट, 1000 लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो पर, और साथ में आपको बता दूं कि हमारे 200,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इटेशा वगैरह लगाइए, और एटलीस्ट दो दो स्टूडेंट भी जोड़ोगे तो आप 2000 बच्चे भी एक दिन में 4000 स्टूडेंट जोड़ देंगे, बस 4000 भी एक दिन में जोड़े तो 4-5 दिन में हमारे अब 190 के लगभग, तो 187 हैं आज, तो आज हो सकता है कि 188 हो जाए, और फिर 12000 के लगभग और बचेंगे, तो 2-3 दिन में हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी करा दोगे, और विश्वास भी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।